हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब नमन केस्ट में। और हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 के केमिकल एनालिसिस चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 4.26 के क्वेश्चन के बारे में, जिसमें सवाल बहुत ही सिंपल है, बस समझने वाला बात है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एक सवाल में एक दिया हुआ है, कोई हाइड्रोकार्बन है जिसका की डिकम्पोजिशन इस इक्वेशन को फॉलो करता है, के इंटू समथिंग इंटू ई टू दी पावर -18,28,000 केल्विन पर यूनिट टेम्परेचर, ये दिया हुआ है और बोल रहा है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा वो निकालो। अब इतना से क्या मतलब, क्या दिया हुआ नहीं दिया हुआ, लेकिन ये इक्वेशन कहीं के देखने में लगता है आर्मियस इक्वेशन की तरह लगता है ऐसा, के इंटू ए के इज इक्वल टू ए इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो ये इक्वेशन आर्मियस की तरह दिखने में लग रहा है, सॉरी आर्मियस के इक्वेशन तरह दिखने में लग रहा है। आर्मियस का तो अच्छा मुकान होता होगा, इसका मुकान ठीक ठाक नहीं होता। तो यहां पर बात यह है कि कंपेयरिंग करना आपको, कंपेयरिंग विथ आर्हेनियस इक्वेशन, क्या होता है आर्हेनियस इक्वेशन, के इज इक्वल टू ए इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो के प्लेस पर तो के है, ए के प्लेस पर ये टर्म है, ठीक है, ए का वैल्यू वो हो गया, e टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी है, तो e टू दी पावर माइनस माइनस कॉमन, ई ए बाय आर टी के जगह पर देखिए इतना बाय टी दिया हुआ है, कितना बढ़िया हो गया, मिल गया। तो आंसर यहीं से ई ए निकल जाएगा, इस चीज को आप इसके साथ कंपेयर कर लो। तो कंपेयर जब करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ई ए बाय आर टी इज इक्वल टू हो जाएगा 28,000 के बाय टी हो जाएगा, टी से टी हो गया खत्म, बच गया यहां पर आर। अब एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए आपको जूल में, तो जूल वाला आर का वैल्यू लेंगे, आर का जो वैल्यू होता है वो होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है होता है। अब यहां से आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ई ए बराबर कितना हो जाएगा, 28,000 इंटू आर का वैल्यू हो गया 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, केल्विन से पर केल्विन क्या हो गया यहां पर, यहां केल्विन था, खत्म हो गया। अब जूल पर मूल में आएगा हमारा आंसर, तो यहां पर गुना करेंगे, इसको इससे गुना कर देना है, तो ये आएगा 232792, गुना कर दीजिएगा तो ये इतना आ जाएगा, है ना, यानी कि 232792 जूल पर मूल आएगा। और इतने बड़े नंबर को आप जानते हो कि हमारा आंसर फाइनली किलो जूल में रहता है जनरली, तो हम लोग किलो जूल बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 232.792 किलो जूल पर मोल, ये किसका वैल्यू आ गया, एक्टिवेशन एनर्जी का आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत था यहाँ पर, बस क्या बोले यहाँ पर कि कंपेयर करना था आपको आर्मियस इक्वेशन के साथ में, कंपेयर कर दिए हमारा आंसर मिल गया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा, अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।